विक्टिम पार्टी, इसमें मुझे कहीं भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं उनको बुलाता हूँ आते नहीं, मुझे बोलते हैं कि सस्पेंड कर देंगे, रात रात भर मुझे सोने नहीं देते हो फोन करके, हम तेरे को सस्पेंड कर देंगे, हम थाना सस्पेंड कर देंगे, हर कुछ बोल रहे हैं। मैं बड़ा इतना डिप्रेशन में हूँ, कोई बात नहीं, एक आध पब्लिक बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आज उन्होंने फिर से मेरी कंप्लेंट्स की है मेरे अधिकारियों को, मुझे फोन आता है 1 बजे कि एसपी साहब ने आपको बुलाया है। विक्टिम बोलता है कि मर्डर की धारा लगा दो, 302 मरा नहीं, 302 कहां से लगाऊंगा। अब बोलते हैं कि इसको अंदर डाल दें इनको। अरे भाई अंदर कैसे डालते हैं, अंदर किस कैपेसिटी में डालते हैं, बेले वाले फैंस है, कैसे कर दूं उनको मैं। और मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है, कितना बिगड़ चुका है। कुछ नौजवानों के वलों एक ट्रैक्टर से सवार शख्स को कुटिया गया सी, और इस मामले की जांच एक हैड कॉन्स्टेबल के वलों की जा रही थी। जांच के विच पीड़ित धिर के वलों लगातार दबाव बनाया गया, उधर उच्च अधिकारियों ने भी हैड कॉन्स्टेबल से प्रेशर पाया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त तो सख्त धारावां लगाईआं जाण। वीडियो बना के हैड कॉन्स्टेबल के वलों अपने नाल बीती सारी गल का जिक्र किया गया। नाल ही उसने दसिया कि पीड़ित धिर दे वल्लों लगातार फोन किए जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा, उधर उच्च अधिकारियों का भी प्रैशर है, लगातार डिप्रैशन दे विच होण करके उसनू कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इस वीडियो बनाने तो बाद यह हैड कॉन्स्टेबल लापता हो गया, इसके परिवार के वलों धरना लगा के इंसाफ की मंग की गई। तो दस दिए कि पंजाब के कुछ मुंडे से जिन्हों के वलों एक ट्रैक्टर सवार नू कुटिया गया, और इस पूरे मामले की जांच हैड कॉन्स्टेबल जसवीर कर रहा है, पर इसते दबाव बनाया गया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो दस दिए कि अज पूरे परिवार के वलों SSP दफ्तर के विच धरना दिता गया, इंसाफ की मंग की गई। उधर हैड कॉन्स्टेबल की तलाश वास्ते टीमां तैनात कर दित्तियां गईयां ने, वड्डे सीनियर अफसर आपस के विच संपर्क के विच ने, और लगातार इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, और मामले की जांच क्राइम ब्रांच नूं सौंप दित्ती गई है। 11 तारीख को वो यहाँ आए थे, तो उसके बाद वो बहुत डिप्रेस थे। उससे पहले भी उन्होंने जब कॉल की थी ऐसे कहा कि मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, 24 घंटे की ड्यूटी देने के बाद फिर इनको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता और बुलाया जाता है, कभी DSP ऑफिस कभी SP ऑफिस बुलाया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। DSP सर ने वो फाइल देखी, बोला कि सही है, सब काम सही है। उसके बाद SP ने बुलाया और SP ने द्वारा उनको प्रताड़ित किया, इतने पता नहीं क्या क्या बोला उनको कि नौकरी बन के देखना कैसे करते हैं नौकरी, आप क्या नौकरी उनके हाथ में है, क्या उन्होंने दिलवाई है नौकरी। अब SP जो अभी अर्जी दी गई है, बोलते SP देखे, SP क्या देखेगा, जब SP तो इसी में इन्वॉल्व है, वो सही कर लेंगे वो इंक्वायरी, वो कर नहीं सकते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि इससे ऊपर वाला जो विभाग है उनको दी जाए, ताकि ये निष्पक्ष। सुखविंदर सुक्खू से मेरी ये गुजारिश है कि बातचीत हुई उनकी, उन्होंने जब वो किया था 2:30 बजे मेरे साथ बात हुई, उसके बाद उन्होंने वीडियो जब बनाया होगा उसके बाद रात के टाइम मेरी बात हुई थी उनसे, उससे जब रात को बात हुई थी 9:45-9 बजे की बात है जब मेरी उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने कहा कि मैं मुझे SP ऑफिस बुलाएगा, बहुत पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया, मैं जीना नहीं चाहता, मैं बहुत डिप्रेस हूँ। उसके बाद ये हुई बात, और उसके बाद वो कालाम से 10:50 पे वहाँ से निकल गए, और अगले दिन 11 बजे तक हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आपके हस्बैंड यहाँ नहीं है। अरे इन्फॉर्म तो बनता था कि नहीं, हमें पता चलना चाहिए था कि नहीं मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं है, लापता है, पता होना चाहिए था कि नहीं, पर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, वो तो खुद कॉल की तभी पता चला हमें। जब वीडियो उनके ब्रदर को मिली है जो कजन थे, उन्होंने देखी, बोले कि भाभी ऐसी सी वीडियो है, बोलते मैंने कॉल की, बोलते कॉल नहीं उठा रहे, उन्होंने किया काला था आम थाड़ा में फ़ोन किया उन्होंने, तब पता चला कि नहीं कोई सूचित नहीं किया गया, और अब तक भी नहीं पता मेरे हस्बैंड का कहाँ है, मेरे हस्बैंड मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे हस्बैंड। और सुखविंदर सुक्खू से मेरी गुजारिश है, प्लीज इस पर निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए।
देखिए, इसमें पिछले कल जो हमारा हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी है उसकी मिसिंग रिपोर्ट कालाम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, तो उसके बाद इसको ट्रेस आउट करने के लिए कल थाना लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट टीम्स बनाई गई। आज इसमें एसआईटी का गठन किया गया है। उसके पश्चात आज जसवीर सैनी के परिवारजन एसपी साहब से मिलने आए थे। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी डीसी साहब के माध्यम से उच्च अधिकारियों को सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जसवीर सिंह का जो मिसिंग केस है इसको ट्रांसफ़र किया जाए किसी उच्च अधिकारी के लिए। तो अभी सूचना प्राप्त हुई है एसपी साहब के माध्यम से कि इसका जो मिसिंग केस है ये सीआईडी क्राइम को ट्रांसफ़र किया गया है, तो आगे की कार्रवाई जो है सीआईडी विभागी इस पर करेगा। देखिए, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारी टीमें अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ भी हमें संभावना लग रही है वहाँ पे विजिट कर रही है, सीसीटीवी फुटेज ली जा रही है, कॉल डिटेल्स के माध्यम से भी पता किया जा रहा है। बाकी इसमें हमारी अभी तक कम से कम 5 टीमें जो है इलाके में ही हैं, उनके इंचार्जेस से लगातार संपर्क किया जा रहा है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो आपसे शेयर की जाएगी।